पर नून ते शाद ते फिर उते जबर मन्ना इदा मतलब हुंदा है एहसान। ते मैं फिर समझा सकांगा, तवज्जो करोगे ते दूसरा जरा मेरे नाल बोलोगे, इदा मन्ना दा की माना है? एहसान। आखिर तक बोलो। एहसान। मन्ना दा की माना है? एहसान। क्या मतलब है इसका? एहसान। अच्छा, जिहड़ा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाईन ने लफ्ज इस्तेमाल कीता ना मन्ना, ये भी कुरान पाक दा है। ये भी कुरान पाक दा है। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज बासा फीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिना ते एहसान कीता है, अल्लाह ने मोमिना ते मन्ना फरमाया है, एहसान कीता है कि इन्हां दे विच अजमता वाला रसूल भेजा है। कुराने पाक दा लफ़ज़े मन्ना इहदा मतलब है एहसान। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाईन वह भी बोलते ने मन्ना मतलब की एहसान। या रब्बुल आलमीन, एहसान खुद कुरान पाक दा लफज है, ये अरबी दा लफज है, ये कुरान पाक दा लफज है, ये हदीस दा लफज है, लुगते अरब दा लफज है। या रब्बुल आलमीन, जो एहसान दा लफज कुरान पाक अंदर आ चुके आए, अल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान दा बदल एहसान है। एहसान का बदला की है? इस जुमले में जरा तवज्जो च रखा जी, फिर नुक्ता समझ आना। एहसान का बदला की है? एहसान। कुरान पाक चार लफ्ज है एहसान, हमें आज पढ़ के सुनाइए। हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान की जजा, एहसान का बदला की है? एहसान। साबित होया कि एहसान ओ ए जिदा बदला है। एहसान की है? जिदा बदला है। या अल्लाह पाक, एहसान चूंकि कुराने पाक च आ चुके हैं ते अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, लफ्ज़ एहसान क्यों नहीं जिक्र किया? उत्थे ते मन्ना आखिया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़बासा फीहिम रसूला, उत्थे एहसान क्यों नहीं आखिया? हुण जवाब सुन लो। जो कुछ मेरे रब ने पैदा किया है, हर शय का बदल दिता है। जागो भाई, हर शय का बदल, हर शय का बदल दिता है। वजू करना होवे पानी नहीं, की करोगे? कादे नाल? पाक मट्टी दे नाल। यमन कादे नाल? पाक मट्टी दे नाल। हुण पानी का बदल की है? पाक मट्टी। निरी मट्टी नहीं बेटे, पाक मट्टी। हर मट्टी से तयम्मुम नहीं होता, बदल की है पानी का? पाक मट्टी। अच्छा, एक बंदा नौजवान है, बच्चा है, हाई दी इस्तेदाद नहीं रखता, मन इस्तेदाद ही रही सबीला ते अमल नहीं कर सकता, पैसे नहीं कोल। अगर उदा दिल करे कि मैनू हज का सवाब लभे, तो फिर की अपने वालदैन का चेहरा मुहब्बत दियां नजरां ना वेखे। बोलो तो सही, मुहब्बत दिया नजर ना मापिया का चेहरा वेखे, मिलेगा की? कतबल्लाहु लहू हज्जतन मबरूरा तन, अल्लाह उहदे नामा अमाल विच एक मकबूल हज का सवाब लिख देंगे। बदल की है मापिया के चेहरे की ज़ियारत। अच्छा जी, अगर काबा शरीफ की चौकड़ चुमन की मन्नत मनी हो, नहीं जा सकिया, कोई वजह बन गई, बीमारी आ गई, कोल कुछ नहीं, उहदे वास्ते की हुक्म है? उहदे वास्ते हुक्म है कबिल कादा मैं उम्मे का, घर जा ते अपनी मां दे दोवें पैर चुको, चूमने की मन्नत मानी हो, अगर नहीं पूरी होती तो क्या करेगा? कबिल कादा मैं उम्मे का, फरमाया अपनी मां के दोनों कदम चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। अच्छा, अगर जन्नत के दरवाजे की चौखट चूमनी हो, उसकी मन्नत मानी हो, तो फिर क्या करे? फिर क्या करे? फरमाया वालदैन के पास जाओ। उसने कहा मेरे तो वालदैन है ही नहीं। फरमाया कब्रों का पता है?
نہیں قبروں کا بھی پتہ نہیں. فرمایا پھر خط خطین علی الارض, زمین تے دو لکیراں لا لے ون وے, پھر نیت کر کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے, یہ میری ماں کی قبر ہے. پھر نیواں ہو کے نہ چک کے ماں نو پیشانی والو چومی تے باپ نو پیراں والو چومی, تیری قسم پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ, ہر چیز کا بدل ہے. لائٹ نہیں ہے جنریٹر چلا لو, جنریٹر نہیں ہے یو پی ایس چلا لو, کیڑی شے جدا بدل نہیں, ہر چیز دا بدل ہے. اور احسان بھی بچارا وہ ہوے جدا بدلا احسان ہے. احسان ہے. ہن جواب سن لو, رب العالمین یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین لفظ مننا کیوں لے آندا ہے؟ اس واسطے لے آندا نے سیاپا نے, اس واسطے لے آندا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا, لفظ مننا دا استعمال کیتا ہے. یا رب العالمین یہ دا مانا دے سانی ہے, پر احسان دا لفظ ذکر کیوں نے کیتا؟ فرمایا کائنات والیو اس واسطے میں ذکر نے کیتا, احسان ہوئے جدا بدلا احسان ہے, پر مننا او ذات ہے جدا بدل میں خدائی اندر پیدا فرمایا ہی کوئی نہیں. یہ دا بدل ہے ہی کوئی نہیں, ہر شے دا بدل ہے, لیکن جدے واسطے مننا آیا ہے او دا بدل کوئی نہیں. سبحان اللہ, خدا بدل کوئی نہیں, جیسے واسطے امام علیہ